करेंगे, गोबर में हाथ देना और गोबर लीपना समझदारी का काम थोड़ी है। समझदारी ना ना, ये पागलों के काम है। पका के मसाज बने पकते, अगर आपने ठंडी रेवे ने और सही रेवे तो आपने पूरी बॉडी सही रेवे। अब अभी 3 घंटा लाइट नहीं आओ जना, पूरी सरकार ने 7 पीढ़ियों की गाड़ काट बना ली। मैं अब आठ सुबह सुबह धूप ले सका, बैठ सका, भी के लिए मैं वो चीज बना दियो। जर्मन और जापान दो देशों के साइंटिस्टों का एक लेटेस्ट रिसर्च है कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी गाय के गोबर की सुगंध से ही नहीं होते। पापा ने कुछ अवार्ड वगैरह मोदी जी भी मिले है, राजस्थान की सरकार टीम, कृषि मंत्री सरकार जो टीम है उसमें मिले है। पूरे देश और दुनिया में ऐसा कोई स्थान हो तो उस स्थान को, उस जगह को मैं इनाम दूंगा। गोबर की ढाणी का अर्थ है जो टॉप की ढाणी हो। मैं प्रकृति ने प्रमोट करना चाहूंगा, शुद्ध खान पीन और पॉजिटिव वातावरण, ये पहली आवश्यकता है। तो मैं प्रकृति का पोषक हूँ, मेरे यहाँ कोई गेट पे आता है उसको जात नहीं पूछता हूँ। राम राम जी, मोक्षपुर झलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। काम सिंह जी ही और काफी बार मुलाकात हुई है, आज दोबारा पर तीसरी चौथी बार आकर पहुंचे हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम स्वागत राम है थारो। धन्यवाद। पहले तो हम बताया जोर की ढाणी क्यों नाम निकाल। जोर की ढाणी का अर्थ है जो टॉप की ढाणी हो। आपने तो चोखी जोर की, ये पर्यायवाची शब्द है शेखावटी को, ये मूल शब्द है। बिल्कुल। अपन कहो आदमी जोर को है, टॉप को आदमी है। बिल्कुल। तो ये टॉप का, इस जोर की का अर्थ है टॉप की ढाणी। और टॉप की ढाणी केवल नाम से नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बहुत ही विनम्र शब्दों से कहता हूँ कि पूरे देश और दुनिया में ऐसा कोई स्थान हो तो उस स्थान को, उस जगह को मैं इनाम दूं, कहीं नहीं है। कड़े तो मिली जाते हैं। मैं पूरे भारत के 80% चप्पे चप्पे में घुमाऊं और दुनिया भर का मुझे नॉलेज है, दुनिया भर से लोग मेरे पास आते हैं। कहीं पर भी इससे बड़ा रिसोर्ट हो सकता है, इससे बड़ी आरामदायक चीजें हो सकती है, लग्जरियस हो सकता है, लेकिन इसका विज्ञान कहीं नहीं हो सकता। इसके चप्पे चप्पे में विज्ञान है। मेरे आपको लेटेस्ट शोध से बताता हूं, जो टोटल जो को आप देखो कि वो सिस्टम बनेड़ो ने जो को मको पंच महाभूतन ले बनेड़ो, व्यक्ति को जो को निर्माण है ना, कि कोई भी प्राणी को वो पंच महाभूतों से होता है जी। और आज के दिन मनुष्य ऐसी एक प्रजाति होगी जो कि रात और दिन आपकी उत्पत्ति ने नष्ट करवा के ला गया। प्रकृति के मैं 5 महाभूत जी का है, आकाश ने आपा खत्म कर रहा, आपा वायु ने खत्म कर रहा, आपा अग्नि ने खत्म कर रहा, आपा पानी ने खत्म कर रहा और आपा पृथ्वी ने खत्म कर। सो को सो देखो, आज आप एक प्रकृति के विपरीत टोटल आचरण शुरू कर दिया। उन्नति किन कर रहे, जबकि मानव जनित जति भी उन्नति है अविनाश। ए रोड बना बो, ए बिल्डिंग बना बो, ए, ए बड़ी बड़ी जी की है सिस्टम बना बो, सिटियां बना बो, ये विकास है। ये मानव का तांडव नृत्य है, ये विनाश विकास नहीं है, ये विनाश है। अच्छा, विकास क्या है? विकास है प्रकृति जन्य। क्या पानी बढ़ा दिया हमने? इस आधुनिक विज्ञान के पास संसाधन है कि पानी बढ़ा देगी? ये प्रकृति को बढ़ा रही है, ये सब जीव जंतुओं को संतुष्ट कर रही है। और मैं आपको कह रहा हूं कि आधुनिक विज्ञान ने अब एक बात कब शुरू कर दी हो कि वापिस यदि अपनी जड़ों की ओर नहीं आओला ने भगवान भी बचा नहीं सकला, समूल नष्ट होना पड़ी। मनुष्य केवल नष्ट उसी आई को नहीं, समस्त चराचर की सृष्टि ने नष्ट करवा के लिए मनुष्य तैयार बैठे। सब चीजें नष्ट कर रहे, जना बस्सी कुण, पानी खत्म हो जाएगा, आकाश खत्म हो जाएगा, अग्नि दूषित हो जाएगी और जो है वो सब चीजें धरती प्रदूषित हो जाएगी, तो फिर जिंदा कौन रहेगा? कैसे जिंदा रहेंगे मुझे बता दो, आप कौन सा विज्ञान है इनके पास? सही बात है। तो इन सबको बचाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए मैंने एक अभियान छेड़ा है। मेरे वो मानव है कि सुनो भूल सको और पढ़ो भूल सको, देखो को नहीं भूल जाए। तो ज्ञान 87% देख पाऊंगा, वो देख बाको मैं केंद्र बनायो, सीख बाको केंद्र बनायो। तारजा को और कोई बनाना चाहो तो मदद भी करो। हाँ बिल्कुल, क्यों को नहीं करूँ, तू तो पागलों का काम। मनुष्य जो समझदार लोगों का काम नहीं है। नहीं मैं तो थे समझदारी की बात नहीं, समझदारी समझदार लोगों को काम नहीं, गोबर में हाथ देना और गोबर लीपना समझदारी का काम थोड़ी है। समझदारी ना ना, ये पागलों के काम है। आप सामने देखो वो झरनो, देखियो वो झरना के मायने विज्ञान है। देखिये ऐसी ऋषि मुनि जूता भी बने, वो समुद्र किनारे नदी किनारे या झरना के जार तपस्या करे, पाड़ा में संगीत निकले। बिल्कुल, बस संगीत नेचुरल है, ऋषि भगवान से जोड़े भाई, संगीत ही झरना में निकले, यही मन की शांति का। शुद्ध खान पीन और पॉजिटिव वातावरण, ये पहली आवश्यकता है। इस देश का दुर्भाग्य उस दिन लिखा गया जिस दिन इस देश में कपड़े, खाने की वस्तु और पौधे सुंदरता से लाने लगे। जर्मन और जापान दो देशों के साइंटिस्टों का एक लेटेस्ट रिसर्च है कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी
गाय के गोबर की सुगंध से ही नहीं होते, ये भोपाल त्रासदी कांड इस बात का गवाह है। वहां गाय के गोबर से लीपे हुए घर और दीपक जलाने वाले घर वालों का एक का भी बाल बांका नहीं हुआ, बाकी सब धराशायी। तो इस पे मैंने काम करने के बाद में यहाँ मेरे पौधे पॉजिटिव हैं और दीवारें जो है मेरी जिंदा है, सीमेंट की मरी हुई दीवारें नहीं है। अब आर्थिक गर्मी की बात करा, पहले पंखा ऐसी हके अब अभी 3 घंटा लाइट नहीं आया जना, पूरी सरकार ने 7 पीढ़ियों की गाड़ काट वाला लिया। तो पहले लोग जीता को नहीं जीता, बंको मन कमजोर को नहीं, अब मन कमजोर हो। तो ये मन को खेलने ठीक करवा के लिए आदमी ने वातावरण शुद्ध करना पड़सी और पॉजिटिव वातावरण बनाना पड़सी। वो क्या बनसी, बगर की दीवार बनसी जी की गोबर लिपिया और पेड़ पौधा पॉजिटिव लगाया और गाय के घी को हवन यज्ञ और दीपक जलाया। तो कहबा को मेरा मतलब वो है कि मन कमजोर पड़गो और मन ने ठीक करवा के लिए शुद्ध खान पान और पॉजिटिव वातावरण जरूरी। मेरे पास ऊंट है, गाय है, घोड़ी घोड़ा है, खरगोश है, टर्की है, मुर्गा है, तितर है, भेड़ है, बकरियां है, बिको कारण है बस एक ही घाट पर पानी पी हुए, एक ही जगह रह हुए। मैं प्रकृति ने प्रमोट करना चाहूं, मैं पंच महाभूता ने बलवान करना चाहूं और वे चीजा लोगों ने बताना चाहूं, वे सिखाना चाहूं, मैं लोगों का मन मजबूत करना चाहूं जिस सुबह कमजोर नहीं पड़े, सुदृढ़ देश का नागरिक बने और दुनिया के मायने बडंको बजावे। अरे अठे अठे रेवज है तो रेवे, खुद भी तो कोशिश करे नई चीज बनाने। हाँ, खाओ पीवो, गाय घोड़ा सो संवाद करो, सगड़ा बात करो और फिर अठा को स्वाद थाने भिन्न नहीं लागे, थाने वातावरण भिन्न नहीं लागे, तो मेरी गारंटी। थोड़ा सो मनिया चीज बताओ, जती बार भी मैं आई हूँ गाय की चर्चा करी ही करी है, थारे घर भैंस को नहीं? ना ना, मैं भैंस अमेरिकन गाय को खोज ही को नहीं मांडवा दू, गाय है सिर्फ देसी गाय है, गाय नहीं देसी गाय। तो मैं प्रकृति का पोषक हूँ, मेरे यहाँ कोई गेट पे आता है उसको जात नहीं पूछता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ कि तू जानता क्या है। यदि वो किसानी जानता है और गाय पालता है तो मेरी जात का है। किसान को जातिवाद पार्टीवाद और वंशवाद के कलंक से दूर रहा, तब ये नहीं करेगा तब तक कल्याण नहीं होगा, मेरा सीधा सा संदेश। तो ज्यादा ज्यादा क्या संदेश देना चाहूंगा? मैं सीधो सो संदेश दूं कि मेरे कने देश और दुनिया का लोग प्राकृतिक गो आधारित खेती, प्राकृतिक गो आधारित जीवन पद्धति सीख बार देख पाता है, आवे आपका मन ने ठीक करवाता है, आवे आप मन ने मजबूत करो और गाय की शरण में जाओ, गाय आधारित खेती करो और इस सृष्टि ने मनुष्य ने और पूरे ब्रह्मांड ने बचावा का काम में योगदान दो, आबाड़ी पीढ़िया और आबाड़ी नस्लां और आबाड़ो समय आज का लोगों ने कदई माफ को नहीं करा। और जो बनाए रहे वो 18 साल बनाए रहे, मेरे मामी पापा को दुनिया को मिलर बनाए रहे है और मैं आपने पूरा विजिट कराऊं कि तरीकों का मतलब एक नेचर में रेयर में इन डेवलप करे धीरे धीरे, तो मैं अंदर दिखाऊं अपने रेस्टोरेंट बिठार का बोलो, और पूरा रेस्टोरेंट आप देख रहे हो पूरा को पूरा वही लकड़ी की 4 सीलिंग है, ऊपर टिन सेट है, पट्टी भी कौन गाल अपनी, और नीचे जो है फर्श है पूरा, और चारों तरफ दीवार है अब पूरा गोबर की कलर की है और थोड़ी डिजाइन लगा दी है। भी के लिए मैं लोग नीचे गद्दी लगावा और नीचे खाना खिलावा, पर आप जब यहाँ पूछो ना कि महाराणा प्रताप कुण हो तो वो कही ओ कुण है, तो जो मतलब इस चीज ने मैं लोग वापस ले रहा है कि लोग इस चीज ने पढ़े है आपने संस्कृति ने आपने इतिहास ने पढ़े ना कि दूसरा का इतिहास ने पढ़े, सब खोखला है। जन्नत है तो ये है, मैं तो यही मानती हूँ, जिसका भी घर है, घर सबके लिए जन्नत होती है, पर बेसिकली मेरा जो घर है जो एकदम नेचर में बना हुआ है जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा है, खास है, मैं 100 बीमारियां लेके आई वहां से आई तो खुश रहते हैं हम, तो वो चीज आपका एनवायरमेंट बहुत बड़ा फर्क पड़ता है उसमें। सीता घर, सीता जी, लक्ष्मी जी, ये रसोई का नाम होता लक्ष्मी घर, और लक्ष्मी घर हमारा रसोई है। अभी आप देखो, अब जी आपने देख लिया, हमारा फ्रिज भी देसी, हमारा रसोई भी देसी, अब वो रूम है एक हमारे ना, आप लोग 7-8 जना रुक सको, आप डबल डबल बेड है इन दो, और डबल ए है, एक सिंगल है, प्लस वॉशरूम एक अंदर है बड़ो सर। एक मशीन मैं आपने दिखाना चाहूँ, आ तांबा की बनी रही है, एक वही यूज है कि आप जमीन पर चालू भूल का, हाँ बैठ भाई मुड्डा के ऊपर और पग रखा, 50 सर्कुलेट करे जी, मैं चालू करूँ अब जी, हाँ अब सर्कुलेट करिए, अभी थोड़ा सा मैं तेल गाल छू, पग अभी मसाज बने, पग तले अगर आपने ठंडी रेवे ने और सही रेवे तो आपने पूरी बॉडी सही रेवे, वो तो भाई लोग आवे नेचर देखभाल खातर मैं बंद कर दे तो लोग खटखाए खानो, बाकी सगलो काम है अंदर साफ सफाई वगैरह सब मम्मी मैं मिल करा, बालक को है पापा भैया ऐसा सब करा, गाय को दूनो हुगो, गाय को गोबर घेरनो हुगो, सब कंप्लीट काम है घर का लोग करा, मैं पूरा दिन लागे लगे सुबह उठा अब फ्री हुआ जितने थोड़ी देर आराम करा, सोभा को तो नाम ही होनी
कहना गर्म जचावा अठिन बठिन रखन जितो तो दिन छिप जाए और वापस रात हो जाए तो अभी को टाइम को कोई था कौन पड़ा कोई खे कौन सके टाइम क्या बीतो। जितना भी मैं अपना रूम दिखाया मन सो ज्यादा पसंद ही हुई है जो पसंद हाँ एक वन पता नहीं क्यों पर जिस दिन बड़े होने उस दिन माँ पापा ने दिया पापा और रूम तो मेरा है क्यों देख लिया कब जो कर रही है भाई भाई अब देख लो थोड़ा इतना तो मेरा बड़ा ही है हाँ तो आज चीज है कि नहीं अब पूरा बांस देखो आप देख सको बांस का एक पाइप लगेड़ा है और सपोर्ट में लो लगेड़ा है इन बनाबा माँ बिलीव नहीं करो कम से कम भी 5 दिन लग गया पर इतना कारीगरा कि आप सोच कौन सको। रसोई मिर्च मसाला यूज करा जो भी तेल यूज करा वो सब मैं अठे बनावा अठे तैयार करा अठे यूज करा हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ साइंस जुड़ी हुई है बिल्कुल जुड़ी हुई बिन चीज ना खत्म कर सो तो आजकल देखो जिम में जावे लोग खैर मैं तो कौन जाऊं एसी वाला जिम में जावे तो फर्क फायदों का ही है पहले लुगाया करती बैठती मुकड़ो बैठती है मिर्च बाटिया करती और सिलपट्टा पर बांटती सिलपट्टा पर बांटती और साथ में ही जा की भाई आटो या कुछ भी पीसन हो तो बिलोनो दाल करनी होती तो भी टाइम पर यहाँ करती ना एक्सरसाइज बिलोना की एक्सरसाइज वो हर चीज में एक्सरसाइज रेडी शरीर भी एकदम स्वस्थ खाने की चीज भी सारी चीज एकदम ऑर्गेनिक बोल सका ऑर्गेनिक बोल सका। तो भाई बस आप में ही मैं राम राम करा वीडियो शेयर जरूर जय गो माता जय गो।